अपराजिता बहुत ही शुभ प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसके फूल लगते हैं, कई रंगों में जो है आते हैं। तो अभी फरवरी का जो है समय चल रहा है और फरवरी के टाइम में गार्डन में बहुत सारा जो है काम हो जाता है। वैसे गार्डन का काम तो हमेशा बना रहता है, लेकिन फरवरी में कुछ ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है जिनको जो है फरवरी में जो है करना पड़ता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपराजिता पौधे के ऊपर कि अपराजिता पौधे को जो है अगर विंटर में खराब हो गए हैं तो उनको जो है हम रिपोर्ट कैसे करें, दोबारा से हरा भरा जो है इनको हम कैसे करें। हेलो दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। मेरे पास अपराजिता के बहुत सारे पौधे हैं। कुछ पौधे को तो मैंने ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ, उनको प्रून जो है वगैरह कर दिया है, खाद दे के छोड़ दिया है, लेकिन ये जो पौधा है ये तसले में लगा हुआ है और ये बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन जनवरी की लास्ट वीक में इतनी ठंड पड़ी, यानी कि लगातार एक हफ्ते तक जो है बिल्कुल धूप नहीं निकली, तब तक ये मेरा पौधा बिल्कुल हरा भरा था। इन बिटवीन क्या हुआ कि इसकी सारी की सारी जो है पत्तियां मुरझा गई, सारी की सारी सूख गई ज्यादा जो है ठंड पड़ने की वजह से, और ऊपर से क्या है बारिश भी होने लगी, 3 से 4 दिन लगातार बारिश भी हुई। बारिश के साथ क्या है, सिंपल बारिश नहीं हुई, बारिश के साथ क्या है ओले वगैरह भी जो है पड़े, वो भी बहुत बड़े बड़े, तो जिसकी वजह से पौधा जो है थोड़ा और ही भी जो है खराब होता चला गया। तो इसीलिए क्या है मैं इनको जो है पूरा ही कट करके हटा दूंगी। देखिए प्रून करते समय, इस समय यानी कि बसंत ऋतु में प्रून करते समय आप घबराए नहीं, डरे नहीं, आप बेझिझक जो है पौधे को जो है हार्ड प्रून कर सकते हैं और देखेंगे कुछ ही टाइम बाद जो है आपके पौधे में जो है न्यू जो है ग्रोथ जो है होने शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बसंत ऋतु का मौसम होता है इसमें फुटाव बहुत जल्दी जो है हो जाते हैं और इस समय जो है पौधों की रूटिंग हार्मोनल जो है बहुत ज्यादा जो है हाई होता है, जिसकी वजह से पौधे काफी अच्छे तरीके से जो है ग्रोथ जो है करते हैं। तो देखिए पौधे को जो है मैं बिल्कुल जो है हाफ जो है मैं इनको कट कर दिया और ये जो पौधा है इसमें जो है 2 पौधे लगे हुए हैं। प्रून करने के बाद मैं इनको जो है दोबारा से रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि ये थोड़े से जो है मिट्टी में लगे हुए हैं और 2 साल हो गए लगभग इसी जो है तसले में लगे हुए हैं, तो इसमें मिट्टी में इतनी जो है शक्ति अभी बची नहीं है, इसलिए हमें क्या है अच्छा तरीके से जो है नया जो है पॉटिंग मिक्स जो है इसमें फिल करके दोबारा से जो है हम इनको लगा सकते हैं। और देखिए आप चाहें तो पहले आप इनको जो है प्रून कर लीजिए कुछ समय बाद, यानी कि जैसे हफ्ता हो गया, हफ्ते बाद जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप तुरंत जो है प्रून करके तुरंत भी जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में जो है आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लेके आई पॉटिंग मिक्स। पॉटिंग मिक्स बताऊँ तो कैसे लिया है मैंने, जैसे आधा आधा जो है मैंने ले लिया है। देखिए मेरी जो मिट्टी है वो काफ़ी रेतीली है, तो इसमें मैंने रेत नहीं मिलाया है, यानी कि हाफ हाफ मैंने कोकोपीट ले ली है, बाकी जो है मैंने वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है और इसमें जो है 1 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट जो है जरूर डाला है ताकि पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ करें। तो देखिए अब चाहें तो रूट को जो है हम ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मैंने जैसे काटा कूटा तो है नहीं, मैंने सिर्फ मिट्टी को मैंने जो है हटा दिया, उसके बाद जो है दोनों पौधों को लिया और फटाफट जो है मैंने जो है इनको फटाफट लगा दिया। देखिए रिपोर्ट करते समय इस बात का ध्यान रखिए, ये तो मैंने देखिए फरवरी की जो फर्स्ट ऑफ वीक थी तब मैंने ये काम कर लिया था, लेकिन अभी यानी करने जाएंगे यानी कि फरवरी का जो है अब सेकंड वीक चल रहा है, तो इस समय पे धूप थोड़ी सी जो है तेज़ हो गई है, तो जब भी आप ये रिपोर्ट वाला काम करें आप अर्ली मॉर्निंग में करें या फिर इवनिंग में करें या फिर अंडर शेड जो है आप कर सकते हैं। तो अभी धूप जैसे जैसे मौसम में जो है तेजी आएगी, गर्मियां जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे आपको जो है दिन में रिपोर्ट करने को जो है अवॉइड करना पड़ेगा। तो देखिए फाइनली जो है रिपोर्ट हो गया, जब मैं रिपोर्ट कर रही थी तो उस समय जो है इतनी ठंड नहीं थी, तो देखिए इतनी ठंड नहीं थी, मैं बोली इतनी गर्मी नहीं थी, यानी कि इतनी तेज धूप नहीं थी। और ऑरेंज के छिलके हैं देखिए ऐसे पड़े हुए, जैसे मैंने रिपोर्ट करती हूँ तो ऑरेंज के छिलके हो गए या फिर केले के छिलके होंगे, कोई भी जो है पील हो गया चाहे फ्रूट का चाहे वेजिटेबल का, तो इसमें तो शैलो पोट है तो इसलिए मैंने नीचे जो है किचन वेस्ट नहीं डाला, नहीं तो अक्सर मैं जो है अगर गमला ज़्यादा बड़ा होता है तो मैं नीचे किचन वेस्ट जो है फिल करके फिर जो है ऊपर से न्यू मिट्टी जो है फिल करके रिपोर्ट कर देती हूँ। तो जैसे हमने कोई भी पिल डालते हैं हमें ऊपर नहीं डालना, ऊपर से क्या है हमने मिट्टी जो है इसे कवर कर देना, जैसे इस तरीके से देखिए मैंने मिट्टी से जो है छिलकों को कवर कर दिया और ये छिलके हफ्ते के अंदर में डीकम्पोज होकर अच्छा सा जो है खाद प्रोवाइड करेंगे मिट्टी को। और मेरी मिट्टी थोड़ी सी जो है गीली है, रीज़न वही है कि बारिश हुई थी तो उसकी वजह से मिट्टी थोड़ी सी जो है गीली है। तो चलिए देखिए फाइनली जो है पौधा मेरा रिपोर्ट हो गया, बारी आती है पानी देने की। पानी देने में बात करें तो आप जो है पानी में एप्सम सॉल्ट मिला के भी दे सकते हैं, तो बस पानी दे के आपको इनको छोड़ देना है। अब हम इंतजार करेंगे इनमें न्यू ग्रोथ आने की और फिर से पौधा ये हरा भरा हो जाएगा और
इस गमले को हमने जो है थोड़ा सा जो एक हफ्ते तक अंडर शेड नहीं यानी कि वहाँ पे रखी जहाँ पे सुबह सुबह जो है धूप इनको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर अपडेट के साथ, हैप्पी गार्डनिंग। और ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो है रेनी सीजन में जो है इसी पौधे की है। तो मिलते हैं अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।